हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका क्विक 3DS में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही डिमांडिंग है, और ये है हमारा 3D रेंडरिंग और आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए सही कंप्यूटर कैसे हम लोग चुन सकते हैं। ठीक है, सो आपके प्रोजेक्ट्स की जो क्वालिटी है और जो इफ़िशेंसी है वो इस बात पर बहुत डिपेंड करती है कि आप सिस्टम कौन सा चुनते हैं। सो इस ट्यूटोरियल में आपको मैं बताऊँगा कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आप एक 3D रेंडरिंग और आर्किटेक्चर के लिए कंप्यूटर चुनते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो पहले नंबर पे आता है हमारा प्रोसेसर, जिसको कि हम CPU कहते हैं। एक ताकतवर प्रोसेसर चुनना ज़रूरी है, जिससे कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन और रेंडरिंग स्मूथ तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर में आपका CPU, जिसको कि हम कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। रेंडरिंग टास्क जो हमारा होता है, रेंडरिंग में CPU का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यह आपको कंप्यूटर के ब्रेन की तरह होता है, जिसको कि हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, आपने अक्सर सुना है, जो कि कैलकुलेशंस और प्रोसेसिंग करता है। बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको एक पावरफुल CPU चाहिए होता है। इसके अलावा आपको कोर्स, क्लॉक स्पीड और कैशे की भी ज़रूरत होती है इसमें। ठीक है, सो ये क्या होते हैं, कोर्स, क्लॉक स्पीड और कैशे। CPU के जो कोर है उनका नंबर और क्लॉक स्पीड आपके टास्क को बहुत तेज़ तरीके से प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा आपके पास कोर होंगे, क्लॉक स्पीड होगी, उतने स्पीड से आपका जो काम है वो प्रोसेस करते हैं और ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, कैशे टेम्प्रेरी डाटा स्टोरेज को हैंडल करता है, ज़्यादा कोर्स और हाइयर क्लॉक स्पीड बेटर परफॉर्मेंस को साइन करती है। तो चलिए मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है, तब आपको आई थिंक क्लियर हो पाएगा। एक मैक्स की फाइल मेरे पास ओपन है और इसमें मैं इंटरेक्टिव रेंडरिंग लगाता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने इंटरेक्टिव रेंडरिंग ऑन कर लिया। अब हम अपने सिस्टम पे देखेंगे इसके कोर, क्लॉक स्पीड और कैशे की क्या स्पीड है। राइट क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे टास्क मैनेजर में जाएंगे एंड देन वी चेक परफॉर्मेंस पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो CPU है वो कितना यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी 100%, कभी 70%, ये अभी आप देख सकते हैं। और 100 के साथ आपको नीचे यहाँ पे दिखेगा स्पीड, ये हमारी क्लॉक स्पीड है। बेस स्पीड इसकी है 3.60 GHz, और जब ये रेंडर चलता है तो ये एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, स्पीड अभी 100% हमारा CPU यूज़ हो रहा है। ठीक है, एंड मेमोरी आप देख सकते हैं, ये रैम की मेमोरी, अभी हम CPU की बात करते हैं फिलहाल। CPU में हमारी आप स्पीड ये रही हमारी, यहाँ पे आप कोर देख सकते हैं, ये 8-कोर प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर है मेरा सिस्टम का। इसमें 8-कोर और थ्रेड भी 8 है इसके। ठीक है, और कैशे आप देख सकते हैं यहाँ से, जो मैंने आपको बताया था, कैशे जो होता है वो टेम्परेरी डाटा स्टोरेज को हैंडल करता है। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा इसका कैलकुलेशन वगैरह आप देख सकते हैं, यही चीज़ें आप अपनी सिस्टम पे भी देख सकते हैं। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको जो CPU लेना है, ठीक है, जितने ज़्यादा उसमें कोर हो उतना अच्छा है। ठीक है, कोर ज़्यादा होंगे एंड देन क्लॉक स्पीड भी उसकी अच्छी होनी चाहिए एंड कैशे भी। ये तीनों चीज़ें आपने ध्यान देनी है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड नंबर पे ग्राफिक कार्ड, जिसको कि हम GPU कहते हैं। और आर्किटेक्चरल रेंडरिंग के लिए एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि डिज़ाइन जो है वो रियलिस्टिक और डिटेल दिखे हमें। ठीक है, GPU बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे 3D रेंडरिंग और डिज़ाइनिंग के लिए। और इसका जो रोल है, GPU का रोल विजुअल्स को प्रोसेस करने के लिए होता है, ये इमेजेस और ग्राफिक को रियलिस्टिक तरीके से रेंडर करने में हमारी हेल्प करता है। इसका भी मैं एग्जांपल बताता हूँ। सपोज़ हम जैसे यहाँ पे आपने ये डिज़ाइन देखा है, ठीक है, घर का, इसको देखने के लिए इसका जो विजुअल आपको दिख रहा है, ठीक है, इसका विजुअल आपको अच्छा दिखे इसके लिए हम ग्राफिक कार्ड आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, जितना अच्छा होगा उतना रियलिस्टिक तरीके से आपको ये दिखेगा। ग्राफिक कार्ड में हमारे पास मेनली दो ब्रांड आते हैं, जिसमें NVIDIA का और AMD का चलता है आजकल। ठीक है, ग्राफिक कार्ड, NVIDIA में जैसे आपका RTX 3060 और 4000 इस तरीके से, और AMD में भी हमारे ग्राफिक कार्ड इस तरीके से आते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्राफिक में, वो है हमारी रैम, जिसको कि हम VRAM भी कहते हैं, वीडियो रैम होती है। ये कितनी GB की है ये काफ़ी डिपेंड करती है। ठीक है, ये
हैंडल करती है, क्योंकि ये जैसे लार्ज जो टेक्सचर वगैरह होते हैं मॉडल्स में, ठीक है, उनको लोड करने में हमारी मदद करती है। कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट के लिए सफिशिएंट वी रैम का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम आजकल आप देखते हैं लूमियन वगैरह जो है ये पूरे ग्राफिक बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो इसमें ग्राफिक कार्ड जो है वो GB वी रैम इनमें बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना ज़्यादा वी रैम होगा उतना आपको टेक्सचर वगैरह जो है वो लोड आसानी से आपका होगा। अदरवाइज़ अगर कम वी रैम है इसमें जी आपके ग्राफिक कार्ड में, तो ये लोड लेने में बहुत दिक्कत करेगा या कई बार ये लेता भी नहीं है। सो वी रैम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थर्ड नंबर पे हमारा आता है रैम। ज़्यादा रैम का मतलब है ज़्यादा क्रिएटिविटी और डिज़ाइन के लिए जगह। सो रैम का जो रैम या मेमोरी कंप्यूटर की आप कह सकते हो, ठीक है, मेमोरी का काम करता है। मेमोरी टेम्परेरी स्टोरेज की तरह काम करती है। इसमें चल रहे प्रोग्राम और फाइल्स टेम्परेरी स्टोर्ड होते रहते हैं इसमें, ठीक है, रैम में, जो मल्टीटास्किंग और लार्ज फाइल्स को हैंडल करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। रैम में क्या होता है, जैसे आप लार्ज फाइल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपके पास कितनी रैम यूज़ होती है आपकी, ठीक है। और मल्टीटास्किंग मींस आप फोटोशॉप भी ओपन कर रहे हैं साथ में, ठीक है, मैक्स भी चला रहे हैं, दो मैक्स चला रहे हैं, तीन चला रहे हैं, साथ में आप गूगल भी यूज़ कर रहे हैं। सो मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ होता है रैम, ठीक है। तो इसलिए हमें रैम की काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है, 3D Max में। सो कम से कम 16 GB तो मिनिमम मैं प्रेफर करता हूँ, जो भी स्टूडेंट वगैरह होते हैं जो स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सो 16 GB तो मिनिमम आपकी होनी चाहिए स्टार्टिंग के लिए। उसके बाद जैसे जैसे आपके जो प्रोजेक्ट है कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, जिनमें कि ये तो जैसे एक छोटा प्रोजेक्ट है तो 16 GB इनफ है उसके लिए, बट जैसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं हाउसिंग वगैरह, जिसमें बहुत सारे हाउसिंग वगैरह है, सो वहाँ पे जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है प्रोजेक्ट की, तो उनके लिए हमें 32 GB रैम चाहिए होता है या फिर उससे ऊपर का। वो डिपेंड करता है आपके कितनी स्पीड वगैरह चाहिए आपको या काम कितना बड़ा है आपका, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टोरेज। जो भी आपका डाटा है उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास सिस्टम में होता है SSD या फिर HDD। SSD का मतलब है हार्ड डिस्क, HDD का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव, एंड SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। सो ये दोनों हम यूज़ करते हैं स्टोरेज के लिए, और यहाँ पे हमने कंपैरिजन आप देख सकते हैं SSD वर्सेस HDD, ठीक है। इसकी परफॉर्मेंस जो है SSD की ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, बहुत फास्ट तरीके से, तेज़ तरीके से लोड करता है अपने आपके काम को, ठीक है, सेव करने में मददगार है बहुत ही ज़्यादा। और आपकी जो भी जैसे मैक्स की आप स्टार्ट करना चाहते हैं फोटोशॉप, तो बहुत फास्ट तरीके से ये इसको लोड करेगा सिस्टम पे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ से इसका बैकअप टाइम 6 आवर है, जबकि HDD का 20 से 24 आवर है, ठीक है। इसमें आप ये सारा कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल SSD का यूज़ आप करिए, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। मिनिमम 512 GB SSD स्टोरेज, कम से कम 512 GB SSD स्टोरेज कैपेसिटी कंसीडर करें, ताकि आपका जो वर्क फ्लो है वो स्मूथ रहे। सो फिफ्थ पॉइंट है हमारा मॉनिटर। मॉनिटर में हमारे पास दो है, फुल HD मॉनिटर एंड 4K मॉनिटर। सो जैसा कि आप देख सकते हैं फुल HD मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है बेसिकली 1920x1080 रेजोल्यूशन, एंड 4K जो है उसका 3840x2160 रेजोल्यूशन। सो काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। सो फुल HD जो होता है ये अफोर्डेबल होता है, बजट फ्रेंडली एंड लो प्राइस में आपको मिल जाता है। एंड जो 4K रेजोल्यूशन वाला होता है इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है और हाई एंड ग्राफिक्स के लिए यूज़ किया जाता है, एंड इसका जो प्राइस है वो इसके कंपेयर थोड़ा हाई होता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 4K मॉनिटर लीजिए अगर आप 3D का जो रेंडरिंग वगैरह का काम कर रहे हैं। सो आपको क्लैरिटी वगैरह जो होता है वो देखना होता है इसमें, काफ़ी अच्छे से कलर्स वगैरह जो होते हैं काफ़ी अच्छे दिखते हैं। सो आप 4K मॉनिटर मैं रिकमेंड करूँगा आपको। सिक्स नंबर पे है हमारा कूलिंग्स। और कूलिंग बेसिकली जो भी हम इंटेंसिव रेंडरिंग टास्क कंप्यूटर जो होता है वो गर्म हो जाता है जब हम रेंडरिंग वगैरह करते हैं अपने सिस्टम में, बहुत हैवी रेंडरिंग या आपके वॉक थ्रू वगैरह चलते हैं, सो उससे आपका जो कंप्यूटर है वो गर्म हो सकता है। इसके लिए कूलिंग हमें करना पड़ता है सिस्टम में, तो कूलिंग सिस्टम का होना ज़रूरी है। इसके लिए एयर कूलिंग
और लिक्विड कूलिंग, ये दो है हम यूज़ कर सकते हैं। एयर कूलिंग में हमारे पे फ़ैन आ जाते हैं, किसी के दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं, वो डिपेंड करता है आपको कितने की ज़रूरत है, आपका वर्कलोड कितना है, कितना रेंडरिंग होता है आपके सिस्टम पे। सो एयर कूलिंग में फ़ैन आता है और आजकल लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी आता है जो कंप्यूटर को गर्म होने से बचाता है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम मैं रिकमेंड करूँगा, ठीक है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है और थोड़ा कॉस्ट भी इसका थोड़ा ज़्यादा होता है एयर कूलिंग के मुकाबले, बट अगर आपका हैवी काम है तो आप लिक्विड कूलिंग यूज़ करिए। सो लास्ट में आई विल रिकमेंड थ्री टाइप ऑफ सिस्टम एंट्री लेवल, मिड और एडवांस लेवल के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग लेवल, सो उनके लिए प्रोसेसर जो सीपीयू है वो इंटेल कोर i9 या फिर AMD का राइजन 5 सीरीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक कार्ड NVIDIA का GeForce GTX 1660 और AMD का रेडियन RX 5600। रैम एटलीस्ट 16 GB DDR4 रैम होनी चाहिए, स्टोरेज 512 GB SSD, मॉनिटर फुल HD का चलेगा, ठीक है, IPS होना चाहिए मॉनिटर, कूलिंग स्टॉक कूलिंग फ़ैन वाली ईयर कूलिंग हो सकती है और पोर्ट्स USB 3 आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 और इसका जो बजट मैंने निकाला है, ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकता है बट रफली 60,000 to 80,000 के अप्रॉक्स। सो अगर किसी को एंट्री लेनी है इस फील्ड में तो उसके लिए ये मैंने बजट डिसाइड किया है, ठीक है, ये एंट्री लेवल का है। मिड लेवल के लिए मैं रिकमेंड करूँगा प्रोसेसर होना चाहिए i7 और AMD में जाते तो Ryzen 7 सीरीज़ का। इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है i7 में, अभी जैसे 12th या 13th जनरेशन चल रहा है, ऐसी AMD में भी चल रहा होगा Ryzen 7 का, सो उसका लेटेस्ट वर्जन आप लीजिएगा, ठीक है। ग्राफिक कार्ड आप ले सकते हैं NVIDIA का GeForce RTX 3060 Ti और AMD का रेडियन RX 6700 XT, ठीक है। रैम 32 GB होनी चाहिए, DDR4 रैम, स्टोरेज 1 TB SSD, मॉनिटर 1440p IPS मॉनिटर होना चाहिए, गुड कलर एक्यूरेसी, कूलिंग आफ्टर मार्केट एयर कूलर और AIO लिक्विड कूलर, ठीक है, तो लिक्विड कूलर आपका ठीक रहेगा और पोर्ट्स USB 3.1 एंड थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम 10 या फिर मैक OS, बजट इसका रहेगा तकरीबन 1 to 1.5 lakh के अप्रॉक्स, ठीक है। लास्ट में आता है हमारा एडवांस लेवल, इसमें CPU हमने लिया है इंटेल i9 और AMD में Ryzen 9 सीरीज़, इसमें भी लेटेस्ट वर्जन आप देख लीजिएगा 12th या 13th जनरेशन जो भी होगी। ग्राफिक कार्ड में हमने लिया है NVIDIA का GeForce RTX 4060 Ti और AMD का रेडियन RX 6900 XT, रैम 64 GB DDR4 रैम और स्टोरेज इसमें 2 TB SSD और 2 TB आपका HDD फॉर स्टोरेज, मॉनिटर 4K प्रिफर है इसमें, HDR मॉनिटर विद एक्सीलेंट कलर एक्यूरेसी, कूलिंग हाई एंड लिक्विड कूलिंग इसमें है, एंड पोर्ट्स USB 3.1, थंडरबोल्ट 3 एंड USB-C पोर्ट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 10 या फिर मैक का OS, बजट इसका रहेगा 2 lakh या फिर उससे ऊपर भी हो सकता है। 3D Max की लाइब्रेरी रीजनेबल रेट्स पे परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, अगर आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। Max के मॉडल हैं जो कि 2014 एंड अबव वर्जन है और कुछ एक दो फोल्डर है जो 2021 के हैं, वो मैंने मेंशन किए हुए एंड ऑल फाइल्स आर इन VRAY, ठीक है। सो आपको दे रखा है, ठीक है, फोल्डर, आप इसको ओपन करेंगे सो इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो इसकी जो मैक्स फाइल है, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आफ्टर दी पेमेंट। सो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।